लाल कुआं में गोला नदी के किनारे बसे लोगों को भूकटाव से बचाने के लिए वन विभाग और जिला प्रशासन ने कमर कसी है। यहां जिलाधिकारी धीराज सिंह गर्बयाल और डीएफओ तराई पूर्वी संदीप कुमार के संयुक्त नेतृत्व में नदी में तटबंध और चैनल का निरीक्षण किया गया। इस दौरान जिलाधिकारी ने वन विभाग के अधिकारियों को निर्देशित करते हुए कहा कि मानसून सीजन में पहले ही भी सभी व्यवस्था दुरुस्त कर ली जाए। उन्होंने कहा कि आपदा जैसी समस्या से निपटने के लिए कंट्रोल रूम बनाए गए हैं जहाँ 24 घंटे लोग मदद मांग सकते हैं। साथ ही जिले में 43 कंट्रोल रूम बनाए गए हैं। इसके अलावा 16 वायरलेस सिस्टम से कंट्रोल रूम को कनेक्ट किया गया है। लास्ट ईयर जो आपदा आई थी उसमें काफ़ी भूकटाल हुआ था, उसके बाद डीएफओ साहब ने यहाँ पे जो चैनलाइज करने का काम स्टार्ट किया था लास्ट ईयर। तो इस बार की आगामी जो अब हमारी मानसून आए गई है, अब इसमें ज़्यादा नुकसान ना हो तो इसके लिए अभी से हम लोगों ने चैनलाइज करना शुरू किया। तो लगभग 1300 मीटर के करीब लंबाई में इसको चैनलाइज किया। आप लोग देख रहे होंगे कितनी ऊँचाई में इन्होंने रखा हुआ है। तो इस बार लगता है मुझे कि इस बार वैसे नुकसान नहीं होगा जैसे लास्ट ईयर हुआ था। फिर भी ऐसे स्पॉट जो बच गए हैं तो उसमें कोशिश कर रहे हैं हम लोग उसको दोबारा हम लोग चैनलाइज करें। नंदौर भी कहते सर उसमें, नंदौर में भी वही स्थिति है जहाँ जहाँ पे लगा है कि बहुत ज़्यादा कटान हो रहा है, तो वहाँ पे अभी हम चेक डैम्स वगैरह बना रहे हैं और वायर क्रेट्स वगैरह डाल रहे हैं, और जहाँ जहाँ चैनलाइज करने की जरूरत है उसको कल से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं ताकि नुकसान ना हो। लास्ट टाइम भी जो है जो अक्टूबर में बहुत बाढ़ आया था यहाँ पे, और ये भी नर्मदा का क्षेत्र जो है जो पश्चिमी तट पे है गोला नदी के, काफ़ी कट गया था।